तो गुरु कृपा जीवन में अद्भुत। तो वृंदावन में एक महात्मा हुए पूज्य श्री मोहनदास बाबा, मोहनदास बाबा महाराज लताओं में वृक्ष की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वो तो हमेशा वृंदावन की लताओं में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। बड़े वीतराग महात्मा, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। ठाकुर जी से इतना प्रेम कि दिन ना रात कन्हैया, हे श्यामा जू, हे किशोरी जू, हे श्याम, आर्तनाद भाव में पुकारते थे ठाकुर जी को। आहा, इनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। इन महात्मा जी की आदत थी कि जब ठाकुर जी के लिए प्रसाद बने तो रामदास ही बनाएगा, लीपा पोती करके पवित्र करके प्रसाद बनाएगा और उस प्रसाद को बनते हुए कोई ना देखे, ये नियम था इनका। पूज्य श्री मोहनदास बाबा रामदास को एक दिन आज्ञा देते हैं कि आज हमारे ठाकुर जी कढ़ी पाएंगे। रामदास ने बढ़िया लीपा पोती की, बढ़िया वहां पवित्र किया और ठाकुर जी का नाम लेकर गुरु जी को प्रणाम करके प्रसाद बनाने के लिए झोपड़ी पूरी बंद की, छोटी सी झोपड़ी ताकि कोई देखे ना, सामने वाली झोपड़ी में गुरु जी रहते। इतने में कुछ विदेशी अंग्रेज वृंदावन की परिक्रमा करने आए थे। ये घटना हम आपको 80-90 साल पहले की ही सत्य घटना सुना रहे। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने छोटी सी गोल सी झोपड़ी में धुआं निकलते देखा तो एक अंग्रेज ने विचार किया कि देखें इसमें है क्या। उसने घास फूस को हटाया, देखा रसोई बन रही, तो अंग्रेज चले गए। रामदास को खबर नहीं थी कि किसी ने भगवान का प्रसाद बनते देख लिया, पर गुरुदेव तो सब जानते। गुरुजी को पता लग गया, गुरुजी चिल्लाते हुए बाहर निकले, रामदास। भागा भागा शिष्य गया, जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुजी मारे क्रोध के बड़े नालायक हो गए, बड़े धूर्त हो गए हो, बड़े आलसी हो गए, प्रमादी हो गए हो, कामचोर हो गए हो। ठाकुर जी की रसोई बनते कोई दूसरा देखे जा रहा हो, तुमको होश भी नहीं है। रामदास कहे क्या, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। गुरुजी को इतनी गुस्सा आई कि हाँ, बगल में एक डंडा डला हुआ था, लाठी, लाठी को उठा करके प्रहार करना प्रारंभ किया। इतना मारा, इतना मारा कि वह रामदास बेचारा, उनका चेला, गिर गया, शिथिल पड़ गया, पर डंडा मारना नहीं छोड़ा। आहा, लेकिन एक बार भी शिष्य ने यह नहीं कहा कि गुरुजी क्यों मार रहे, हमारी गलती नहीं है, नहीं। तुरंत वो प्रेम पूर्वक हाथ जोड़े, गुरुजी 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 गुरुजी, कहता कहता डला रहा और गुरुजी डंडा फेंक कर भीतर चले गए। रामदास थोड़ी देर में उठा, शरीर को ठीक ठाक किया, कई जगहों पर घाव बन गए, सूजन आ गई, लेकिन फिर स्नान किया, गुरुजी को पुनः प्रणाम किया, पूरी रसोई को गाय माता को खिलाया, दूसरी पुनः बंद करके रसोई बनाई। शाम के 4-5 बज गए, गुरुजी को जाकर प्रसाद दिया, गुरुजी ने प्रसाद ठाकुर जी को लगाया, खुद भी पाया। रात हुई, दिया का उजाला, गुरुजी लेटे हुए थे, रामदास चरणों की सेवा कर रहा था। सेवा करते करते एक आंसू टपका और गुरुजी के चरणों के अंगूठे पर गिर गया। गुरुजी को आभास हुआ, रामदास रो रहे हो, क्यों रो रहे? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें मारा, इसलिए रो रहे कि आज हमने ज्यादा पिटाई कर दी गुस्सा में,
लेकिन धन्य है, ऐसा शिष्य होना असंभव है। फबक फकक फबक करके रामदास फूट फूट करके रोने लगा और गुरुजी के चरणों को अपने हृदय से लगाकर कहता, गुरुदेव हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमें आपने मारा, ये इसलिए नहीं रो रहे हैं कि बहुत ज्यादा पिटाई की, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने निकम्मे शिष्य हैं कि हमारे कारण आज गुरुदेव को देरी से प्रसाद प्राप्त हुआ है। क्या कहना, गुरु जी ने गले से लगा लिया, जाओ तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो, जाओ तुम पर हमारे बनवारी की कृपा हो जाए। रात बीत गई, सुबह 4-5 बजे मोहनदास बाबा और रामदास तो 2-3 और अगल बगल के महात्मा परिक्रमा करते थे वृंदावन का, रोज महात्मा कीर्तन करते, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कीर्तन, राधा जो प्यारी जो प्यारी जो किशोरी जो कीर्तन करते करते जा रहे थे कि रास्ते में रामदास को तेज बुखार आ गया, ज्वर आ गया, रामदास चक्कर खा के गिर पड़ा। गुरुजी थोड़ा आगे निकले, एक शिष्य पीछे, क्या हुआ रामदास, उठो उठो उठो, क्या हुआ, कुछ नहीं भैया, अब हम उठ नहीं पाएंगे, जरा गुरुजी को बुला लो। क्यों, रामदास लेटे लेटे हाथ जोड़कर श्वास तेज ले रहा और कह रहा, भैया अब लगता है कि हमारे जीवन के पूरे दिन हो गए। उस व्यक्ति ने गुरुजी को बुलाया, मोहनदास जी को, अरे महात्मा जी आओ आओ, देखो ये आपके चेला को क्या हो गया। वापस महात्मा आए, मोहनदास बाबा, क्या हुआ रामदास, लेटा लेटा बीच रास्ते में हाथ जोड़ के कहता है, गुरुजी लगता है अब हमारी इतने ही दिन तक की सेवा थी आपके चरणों, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होना है तुम्हें, क्या हो गया, कुछ नहीं होना, गुरुजी सच कह रहे, इतने दिन तक की ही हमारी सेवा थी, अब हमारी सामर्थ्यता नहीं है शरीर की, अब तो आप अगर अपने शिष्य पर अनुग्रह किए हो और हमने किंचित मात्र भी सेवा की हो तो गुरुदेव हमारी इच्छा है कि आपके चरणों का चरणों तक पी करके हमारे प्राण निकले। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है तुम्हें, लाओ लाओ भाई जल लाओ। गुरुजी ने अपने शिष्य का मन रखने के लिए जल लिया, अपने पांव के अंगूठे को रामदास के मुख तक ले गए, एक बालक ने जल डाला, रामदास ने पिया। गुरुजी दूसरी अंतिम इच्छा और हमारी पूरी कर दो। हाँ बोलो क्या है, हम चाहते हैं गुरुदेव हमारे जब प्राण निकले तो आपका मुख देखते देखते प्राण निकले। उससे आपको चरणों की तरफ जाना पड़ेगा, हम नरक चले जाएंगे पर गुरुदेव हमें नरक जाना स्वीकार है, लेकिन हम गुरुदेव आपका मुख देख करके अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। धन्य है गुरु निष्ठा ऐसी, धन्य है गुरु के प्रति ऐसी सेवा। वो कहता मैं नरक जाने को तैयार हूं, एक बार नहीं हजार बार, पर अपने गुरुदेव के दर्शन करते करते मैं मुख देख करके प्राणों को त्यागूंगा। गुरुजी कहते ठीक है। गुरुजी पैरों की तरफ खड़े हो गए, रामदास खड़ा बोल नहीं पा रहा, तेज हाँपी चलने लगी, जोर का श्वास भरने लगा, शरीर शिथिल पड़ा है, बार बार आंखों को बंद करके खोलता है और धीरे से कहता और चिल्ला करके बोला, गुरुजी हमें आपका मुख देख करके प्राण त्यागना है, आपके बगल में कोई नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने देखा यहां तो कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। गुरुजी हमने कहा आप अकेले नहीं हो, आपके बगल में ये सांवरा सांवरा खड़ा हुआ मोर पंख पहने हुए हाथ में बांसुरी लेकर के बुला रहा है, इसको हटाओ, हमको केवल आपके दर्शन करते हुए प्राणों को त्यागना है। जहां गुरु जी ने ये कान से बातें सुनी, सोई गुरुदेव चिल्ला करके बोल पड़े, रामदास तेरी जय जय हो गई, साक्षात कन्हैया तुझे लेने के लिए आ गया है, मेरा सावला आ गया, मेरा बंसी वाला आ गया, मेरा बंसी वाला आ गया, मेरा बंसी वाला आ गया।
जीवन सेवा का। और रामदास के प्राण पखेरु उड़ गए, गुरु गोविंद तो खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु में ये ताकत है, गुरु में ये कृपा है, ये जो संत बैठे हैं ना इनमें ये ताकत है, तुम्हारी बाहें पकड़ के राम जी से मिला देंगे। जिंदगी का सार रघुनाथ है, पूरी जिंदगी का सार सिर्फ रघुनाथ जी है, कोई दूजा नहीं है। जिंदगी का सार रघुनाथ है, राम कथा का सार रघुनाथ है, जिंदगी का सार भी रघुनाथ है। भैया जैसी बीती सो बीती, अब भगवान के बिना जिंदगी मत बीती कर। अब तक जो बीती सो बीती, जिसने चखा ही नहीं इस स्वाद को वो क्या जाने। इन महात्माओं से पूछो कि इन्होंने रस को चखा है, इन्हें पता है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आपकी कथा 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक चलती है, लोग बड़े पागल हैं, लोग बड़े बुद्धू हैं। हम पर उनको समझाते पागल तूने कभी ये रस चखा नहीं, कभी एक बार चख कर देखना, ना तो तू टैम देखेगा ना तू नेम देखेगा। जिससे मोहब्बत होती है उससे फिर घंटे की बात नहीं होती है कि 1 घंटे मिलेंगे या 2 घंटे। जिससे प्रेम होता है उसके लिए फिर घड़ी नहीं देखी जाती, उसके लिए तो जिंदगी बड़ी देखी जाती है। मेरे पागल जिंदगी का सार रघुनाथ। तो अयोध्या मिथिला के वो महात्मा जिन्होंने श्री किशोरी जी की विदाई पर अपने प्राणों को त्याग दिए, धन्य है ऐसा संबंध। भगवान करे हमारा और आपका सबका भगवान से कोई ना कोई नाता हो जाए, क्योंकि भगवान नाते को निभाते। हमारे रघुनाथ जी नाते को निभाते हैं, जिनका जो नाता भगवान से होता भगवान निभाने के लिए आते हैं।